अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। वहीं ओडिशा के जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्लानंद सरस्वती ने विरोध जताया है। उन्होंने बुधवार को रतलाम में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह 22 जनवरी 2024 को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शामिल होने के लिए अयोध्या नहीं जाएंगे। रतलाम त्रिवेणी तट पर हिंदू जागरण सम्मेलन को संबोधित करने आए शंकराचार्य निश्लानंद ने मीडिया से बातचीत में कहा, मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे तो मैं वहां तालियां बजाकर जय जयकार करूंगा। क्या मेरे पद की भी मर्यादा है? राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए, ऐसे आयोजन में मैं क्यों जाऊं? ब्यूरो रिपोर्ट, ईएमएसटीवी रतलाम। सब राम मंदिर में चारों शंकराचार्य जी का उल्लेखनीय निमंत्रण है। देखिए, मेरे पास जहाँ तक मठ तो मैं बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, और मुझे सोचना है कि शंकराचार्यपुरी एक व्यक्ति के साथ आना चाहे आ सकते। अगर लिखा होता कि 100 व्यक्ति के साथ आने तो अभी मैं नहीं जाता। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ। क्यों नहीं जा रहे आप? मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे शेयर नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या लेंगे? जो माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यही वो कर लेंगे और क्या करेंगे। वैसे लोग जो होते ना बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते मालूम? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक यूँ कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। तो मुझे अपने पद की महिमा अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए नहीं जा रहा। निमंत्रण जो दिया गया है, आप चाहें तो एक व्यक्ति को साथ में ला सकते हैं, मुझे जाने की क्या जरूरत है? अयोध्या से तो मुझे परहेज नहीं है। राम जी मेरे हृदय में, भगवती सीता को मैं बड़ी बहन मानता था, लेकिन ध्यान अवस्था में सीता जी ने कहा मुझे छोटी बहन माना करो, तो वो संबंध कोई तोड़ेगा नहीं, अयोध्या से मेरा संबंध टूटेगा नहीं, इस अवसर पर जाना मेरे लिए उचित भी नहीं।